शुक्रवार की सुबह लोगों की आंखें मंदिर की घंटियों से नहीं भूकंप के झटकों से खुली। जी हां, आपको बता दें भूकंप के 3 झटकों से सहमा जयपुर। राजधानी में पहला झटका 4:09 पर आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल 4.4 थी। दूसरा झटका 4:22 पर आया, इसकी रिक्टर स्केल 3.1 थी। तीसरा झटका 4:25 पर आया, इसकी रिक्टर स्केल 3.4 थी। भूकंप का झटका महसूस होने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, तो वहीं कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करने लगे रोड पर, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना कर धूप भी लगाने लगे। भूकंप के ये झटके इतने तेज थे कि जोरदार कंपन की वजह से सभी की नींद टूट गई और लोग अपने अपने बिल्डिंग्स और घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल अभी इस भूकंप से कोई भारी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। जयपुर और राजस्थान के अन्य जिलों में इससे पहले भी 21 मार्च और 24 जनवरी को भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान भी कंपन के डर से लोग घरों से बाहर निकल आए थे। फिलहाल सीकर जिले में भी हाल ही में भूकंप के झटकों ने कुछ दिनों पहले डरा दिया था, तो वहीं दूसरी ओर मणिपुर के उखरूल में सुबह 5:01 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी रिक्टर स्केल 3.5 थी। भूकंप की रिक्टर स्केल काफी तेज थी जिससे लोग घबरा गए, इसी कारण भूकंप केंद्र बिंदु राजधानी जयपुर रहा। अब हम आपको बताते हैं भूकंप आने के कुछ मुख्य कारण। धरती 4 परतों से बनी हुई है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर, क्रस्ट कोर। कई बार ये प्लेट्स टूट जाती है जिनके टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिससे इलाके में हलचल पैदा हो जाती है और फिर कई बार ये झटके काफी कम रिक्टर स्केल के होते हैं इसीलिए महसूस भी नहीं होते, लेकिन कई बार इतनी ज्यादा रिक्टर स्केल के होते हैं कि धरती फट तक जाती है। लेकिन फिलहाल इन भूकंप के झटकों से कोई भारी नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है।